अमृतसर के पुलिस थाना बी डिवीज़न स्थित इलाके में पड़ते सुल्तानविंड रोड सुदर्शन नगर गली नंबर 2 में रहने वाले दूध व्यापारी लखदेव राज का बेटा जब अपनी गाड़ी लेकर रात के वक्त अपने घर आ रहा था तो गली में बलजीत सिंह गोगी के घर के बाहर लगे मोटरसाइकिल को साइड करने के लिए उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो बलजीत सिंह गोगी व उसका लड़का नशे में धुत हुए उस पर हमला कर दिया। इलाका निवासियों ने बीच में आकर बचाव किया लेकिन कुछ समय के बाद बलजीत सिंह गोगी उसका लड़का अपने साथियों के साथ दूध व्यापारी लखदेव राज के घर हमला करके घर के बाहर खड़ी गाड़ियों की तोड़फोड़ कर इलाके में गाली गलौज की। इसके बाद इलाका निवासी दहशत के माहौल में हैं। इस मौके पर दूध व्यापारी लखदेव राज ने हमलावरों के विरुद्ध पुलिस थाना बी डिवीज़न में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। दूध व्यापारी लखदेव राज के मुताबिक पुलिस ने अभी तक हमलावरों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और हमलावर बलजीत सिंह गोगी उसका लड़का अपने साथियों के साथ सरेआम इलाके में घूम रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस उन हमलावरों की मदद कर रही है और उलट पर हम पर राजीनामे करने का दबाव बना रही है। उन्होंने प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। अमृतसर से आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए गुरमीत सिंह बाजवा की रिपोर्ट। वो भी बाहर तुरे फिरते ने पर थाने वाले ने उन्होंने फिटे मूनी इन्नी शराब पीती ही उन्होंने तो थानेदार ने मैं खुद आख्या मैं क्या मौके पर वेख लो भी शराब पीती है नहीं तो थानेदार ने कोई गल ही नहीं की कहना थानेदार कहना आम दुनिया पीती है शराब तो उस तो बाद फिर अं दरखास्त दे के आए उस तो बाद ना किसी ने फड़िया ना कोई गल की ना बार की अरे बारह बजे तो टाइम दिता आ तुम आ जाओ जिसलिए अं 12 बजे गए सानू उन्होंने आख्या भी चलो तुम इस तरह करो भी पुछगिछ की एक दूजे ने गलबात की कहते चलो गलती हो गई राजीनामा कर लो थानेदार भी कहना राजीनामा कर लो कि 8-10 जने आए सी ते उन्होंने काफ़ी पन्न तोड़ की उन्होंने को वे वे मतलब कि सोटियाँ सी कृपाना सी ते काफ़ी ड्रिंक भी की हुई सी उन्होंने तो उन्होंने बहुत मतलब कि नुकसान किया काफ़ी शीशे भी तोड़े गालां भी कड़ियाँ काफ़ी तो मतलब कि 2-2 मिनट बाद आते चल जाते फिर आते पन्न तोड़ करके तो बस यही सी। मेरा नाम कवलजीत कौर होया तो बहुत माड़ा होना नहीं चाहिए महल्ले च लोग होर भी रेंदे है क्योंकि इस तरह जो होया होर भी किसी ना हो सकता।